समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने कहा है कि यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पे हो आस्था, फिर चाहे कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों, विश्वास खुद पे और उस ईश्वर पे आस्था, ये दोनों ही अध्यात्म के दो सुंदर पहलू हैं या दो सुंदर देन हैं। यदि इस मार्ग पर हम चलते हैं तो सचमुच ईश्वर से भी रिश्ता जुड़ता चला जाता है और खुद हम आत्मविश्वास से भरपूर होते चले जाते हैं। फिर रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन एक सहज सा रास्ता हमें दिखाई दे जाता है। हम विचलित नहीं होते, बिल्कुल डगमग नहीं होते, लेकिन स्थिर बने रहते हैं। और यही चीज़ आदरणीय उर्मिल दीदी कल भी हमें बता रही थी कि कैसे आध्यात्म जीवन को सरल और सहज करता है। आज पुनः दीदी हमारे साथ हैं। अब जानते हैं, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, पालम विहार दिल्ली की निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र की, और साथ ही साथ दीदी देश विदेश की यात्रा करते हुए सभी आत्माओं के अंदर आध्यात्म की ज्योति भी प्रज्वलित करती रहती हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ओम शांति। कल भी दीदी आप कह रहे थे कि विश्वास जागृत होता चला जाता है हमारे अंदर, और साथ ही ईश्वर के अंदर आस्था भी बनती है भक्ति में। या कई बार लोग ये कहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास दोनों को अलग करना बड़ा कठिन सा लगता है। कई जगहों पे लोग आस्था को भी अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। कैसे इसे हम समझें, मेरी आस्था ये है और ये अंधविश्वास है? ब्लाइंड फेथ जो होता है, अंधविश्वास जो होता है, जो हमें कह दिया जाता है, हम उस पर करते चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हम जो कर रहे हैं, जो हमें कह दिया बस हमें करना है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमारी आस्था नहीं होती है। जैसे मानो हमें याद आता, हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कहा करते थे कि तुम्हें आज सूर्य को पानी देना है, सपोज करो, आज आपको फास्ट रखना है, आज आपको आरती करनी है। तो हमें कह दिया जाता था तो हम उसको ब्लाइंडली करते चले आ रहे थे, लेकिन उसमें कोई आस्था नहीं थी। लेकिन जब किसी चीज़ को आस्था से करना, माना दिल से करना, जिगर से करना, वो तब होता है कि जब आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है। पहले ज़माने में ठीक है कि लोग ऐसे हुआ करते थे, उनको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, जो कह दिया जाता था उसको करते चले आ रहे थे, आस्था उनकी बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों के अंदर एक लॉजिक बढ़ने लगा, तो लॉजिक के साथ साथ हम हर चीज़ के रहस्य को जानना चाहने लगे कि भई ये हमें क्यों करना चाहिए। तो जहाँ आस्था और विश्वास दोनों साथ हो जाते हैं, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के होने से हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाते हैं,
और अपनी मानसिक स्थिति में जो हमें सुख मिलना चाहिए उसको भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल दीदी, कई बार जो चीजें चली आ रही हैं उनको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, और यदि तर्क मिल जाता है कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि बलि प्रथा बहुत सारे स्थानों पर है। अब वो प्रथा चली आ रही है, लेकिन आज इतना विकसित होने के बाद भी हम उससे दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि वो प्रथा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। हो सकता है किसी कारण से इसकी शुरुआत हुई हो, लेकिन व्यक्ति कैसे इस चीज से फिर अलग हो। यहाँ पे एक अंधश्रद्धा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और ये भी दिखता है कि उनकी कामना पूर्ण भी हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, दोनों चीजें साथ साथ दिखते हैं। तो ये जो बलि प्रथा की आपने बात कही कि आज तक भी ये चली आ रही है और लोगों की जो मान्यताएं हैं वो पूरी भी हो रही हैं। एक्चुअली कोई भी मान्यता के पीछे हमारा एक संकल्प होता है कि मानो हमने कुछ सोचा कि मेरी ये इच्छा, और हमें कहा गया कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी भी चीज को करते हुए हमारे अंदर में जब एक पावरफुल संकल्प होता है तो वो जो हमारी इच्छा पूरी हो रही होती है वो हमारे संकल्प के कारण से पूरी हो रही होती है, ना कि उस बलि प्रथा के पीछे पूरी हो रही होती है। तो उनको समझ ना होने के कारण से वो ये सोच लेते हैं कि अगर हम बलि दे रहे हैं तो हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है और हमें ऐसा करना ही चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारे साथ कोई अनर्थ हो जाएगा। तो इस भावावेश में आकर लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना करके हम किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की तरफ और जाएं, क्यों, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर काफ़ी ज्ञान है हमारे सामने, हमारे घरों के अंदर, परिवारों के अंदर लोग पढ़े लिखे होते चले जा रहे हैं। तो रियल सेंस में देखा जाए किसी की बलि चढ़ाना, ये वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हत्या है, क्योंकि आत्महत्या हम इसको कहेंगे। लेकिन जैसे आप देखो किसी व्यक्ति को मार करके आप किसी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो व्यक्ति को दुख तो होता है ना, अगर हमारे ही हाथ को कोई थोड़ा सा भी काट देता है तो भी हमें कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए हमें अपनी आस्था को सामने रखते हुए भले, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझने की कोशिश करें। तो हमारी ये जो ब्लाइंड फेथ की परिपाटी चली आ रही है इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये समय के अनुसार अब लाना जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि पशु पक्षियों में भी तो जीवन है और उसे हमें समझने की आवश्यकता है। बस एक चीज कभी समझ में नहीं आती कि क्या देवी देवताएं जिन्हें ये चढ़ाया जाता है क्या उन्हें ये मंजूर होता है, क्या उन्हें ये प्रिय है, या फिर लगता तो नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी जब वो बात मैंने कही कि जब कामना पूरी होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद देवी माँ को ये पसंद है। जी देखो, ऐसा देवी माँ को ये पसंद नहीं होगा। देवी हमारा एक शक्ति स्वरूप का ही सिंबॉलिक है। एक्चुअली परमात्मा ने जब आकर के हमें समझ दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो मैंपन हमारे अंदर में, आपको उसकी बलि चढ़ानी है। मैं और मेरापन, सारे दिन में हम कहते रहते हैं कि मेरा ये, मेरा फला है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मेरी फला पोजीशन है। तो ये मैं और मेरा की बलि परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम आकर के चढ़ाओ। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब थोड़ा सा टाइम क्रॉस कर जाता है तो हम लोग इन सब बातों के आध्यात्मिक रहस्य को भूलकर हम चीज़ों को फिजिकली अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब फिजिकली अडॉप्ट कर लेते तो हम ये समझते हैं कि जन्म बाय जन्म हमारे एंसेस्टर्स ये करते आए थे तो हमको भी ये करना है, और यदि हम इसके विरुद्ध जाएंगे तो हमारे साथ कोई अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको अगर हम सटल वे में समझें तो मैं समझती हूँ ये अपने जो मन की बुराइयां हैं जिसके कारण से या दुनिया में इतना अंधकार है उसको दूर करने की जरूरत है। दीदी, पहला मेल हमारे पास कन्नौज से संजय झा जी का है। ये कहते हैं कि किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और मेरी नजर में इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता, परंतु फिर भी मैं उस इंसान को दिल से माफ कर देना चाहता हूँ, पर मैं हर बार उन्हें माफ करने में असफल हो जाता हूँ। भले पाप उन्होंने किया है परंतु फिर भी भारीपन वाली फीलिंग मुझे आती है, तो मैं कैसे अपने आप को हल्का करूँ। संजय जी के प्रश्न से ये लगता है कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है उनमें कि उनका फराक दिल है और वो ये ऐसा सोच रहे हैं। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर से माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और कहते हैं कि जब बिगिनिंग अच्छी होती है तो उसका अंत भी धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा, सेल्फ डायलॉगिंग जिसको हम कहते हैं, अपने आप से बात करें कि देखो जो हो गया वो अब हमारे हाथ में नहीं आ सकता है और मैं उसको भुलाऊं उसी में मेरा फायदा है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें एक सेकेंड क्रॉस क्वेश्चन अपने आप से वो ये भी करें
कि देखो जो अब लॉस होना था या जो करना था वो तो हो गया, अब यदि मैं बार बार इन बातों को याद करता रहूँगा तो उससे सबसे पहले मेरा अपना लॉस होने वाला है। क्योंकि जो भी वो संकल्प क्रिएट करेंगे वो अपने भीतर में करेंगे और उसका जो पहला असर, उसका जो पहला वाइब्रेशन उनके शरीर को खराब करेगा। तो एक तो उनका हेल्थ का लॉस होने वाला है, दूसरा जब हमारा हेल्थ खराब हो जाती है, मन के अंदर विचार खराब चल रहे हैं, उदासीनता के हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा मन दुखी होगा और मन दुखी होगा तो हम रिलेशनशिप्स को भी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। और ये फील कर भी रहे हैं कि मैं भारीपन खुद फील करता हूं। भारीपन खुद महसूस उनको होगा। तो इसलिए सबसे पहले वो अपने आप को एक बहुत पावरफुल विचार रोज दें, कम से कम दिन में 21 बार इस विचार को मन में लाएं कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, और अपने आप को देखें कि विघ्न मेरे सामने और मैं उसको दूर कर रहा हूँ, एक दृश्य बनाए और वो मेरे से सीन दूर हो रहा है और मेरा मन हल्का हो रहा है। तो जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो विचार हम उसको देते हैं तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और एक मानसिक स्थिति हमारी ऐसी बन जाती है कि मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और सोल्यूशन बड़ा हो जाए। रोज एक चेयर पर बैठकर इस बात को मन में दोहराएं बार बार, और साथ में जो प्रॉब्लम है उसको बिठा लें और अपनी स्थिति को ऊंचा करते जाएं। जैसे अपनी स्थिति को ऊंचा करते जाएंगे तो ऐसा महसूस करेंगे इंटरनली कि प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, हो सकता है कि उसी वातावरण में वो रहते और उसी वातावरण में वो सोच रहे हों बार बार उसी चीज को, तो जिस वातावरण में हम मानो एक कमरे में बैठे बैठे उसी चीज को सोच रहे होते हैं, हम इधर उधर नहीं निकलते, तो बात हमारे ऊपर ज्यादा हावी होती है क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमारे उस स्थान पर भर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वातावरण भी चेंज करें अपना, तो उससे भी उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये तीनों बातों पर मैं समझती हूँ अगर ध्यान देंगे तो इनके मन के अंदर एक पहले ही शुभ संकल्प है, तो शुभ संकल्प का जो रिजल्ट है वो अच्छा होना ही है। चलिए, आपने जो बात कही दीदी वो सचमुच बहुत ही गहन है, और इनके अंदर जो एक सुंदर सी बात है कि हाँ मुझे उनको माफ करना है, अदरवाइज मैंने देखा है कि लोग तो इस भावना को लेके चलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं माफ नहीं करूंगा इस व्यक्ति को, जीवन भर शायद ही भारी करता रहता है व्यक्ति को। दीदी अगला मेल हमारे पास आया हुआ है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, ये कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, गोली खा रहा हूँ, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, ना खाने में ना सोने में और ना कुछ करने में, मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने के भी विचार आते रहते हैं, क्या करूं? क्या दीदी कुछ समाधान आध्यात्म में ऐसा है कि ऐसी स्थितियां ज्यादातर बढ़ती जा रही? जैसे कि आपने परिचय में बताया कि हम लोग सेंटर्स पर रहते हैं और सेंटर्स पर हमारे पास बहुत इस तरह के लोग आते हैं जी, और हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे मुंह लटका हुआ, शरीर में जैसे ताकत नहीं है, भले वो पोजिशन होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन हमने देखा कि थोड़े दिन जब वो यहाँ आना शुरू करते हैं सेंटर्स पर तो उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बेसिकली जो डिप्रेशन का कारण यदि कोई फिजिकल रीज़न नहीं है तो हमने ये देखा है कि उसका जो मेन कारण होता है किसी बात को हम गहरा सोच लेते हैं, उसके बारे में सोचते उसने मुझे ऐसा कहा क्यों का, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसने मेरी इतने लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी, या मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पाया तो हम मारे गए, हमारा क्या होगा, अब कैसे करेंगे, सोसाइटी में हम चेहरा कैसे दिखाएंगे, हमसे कोई भूल हो गई, तो इस तरह के जो नेगेटिव विचार हमारे मन में चलते रहते हैं वो हमारे मन को बहुत ज़्यादा लो फील करा देते हैं, और आप समझते हैं कि क्वेश्चन मार्क हमेशा टेढ़ा होता है, तो वो दिमाग को इतना टेढ़ा कर देता है कि मन हमारा, उसका जो रिजल्ट है, मन को जो वाइब्रेशन मिलने लगता है वो अशांति और दुख के मिलने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ सुख और शांति के, खुशी के। ऐसे विचार चलते 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 हम एकदम अपने लो स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, और जब लो स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं तो जिसको डॉक्टर्स लोग मोस्टली कह देते हैं कि भाई यू आर अंडर डिप्रेशन, और उससे निकलने के लिए कई बार उनको कोई चारा नहीं नजर आता। तो इसके अंदर एक बात बहुत ब्यूटीफुल है समझने की कि विचार ने मुझे लो फील कराया तो मुझे अब उस विचार से निकलने के लिए विचार को विचार से काटना पड़ेगा, जैसे जहर को जहर से मारा जाता है जी, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे अपने आप को शक्तिशाली विचार देने होंगे, और आध्यात्मिकता ही हमें शक्तिशाली विचार देने का तरीका सिखा सकती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो सारा बाहर है,
लेकिन मेरे अंदर में भी एक बहुत सुंदर जगत है जी, जी। मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा तो अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं है, मैं तो अजर अमर। इस प्रकार के विचारों को अपने अंदर प्रोत्साहित करें और साथ साथ किसी श्रेष्ठ आत्मा जो उनको हमेशा एनकरेज करे, ऐसे राजयोगी आत्माओं के संपर्क में कुछ समय आए ताकि उनका एक माहौल भी बदले, बाहर का भी और भीतर से सोचने का भी। तो ये हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस परिस्थिति से निकल आएंगे। जी 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 दीदी, क्या ऐसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं आपके नजदीकी, जैसे आपने कहा सेंटर पे आते हैं स्थिति तो बदल जाती है, जो ऐसा इन्होंने प्रश्न भेजा है, ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आए कि कोई बहुत ज्यादा लो था, अब बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा है? बिल्कुल, बहुत परिस्थितियां आती हैं आजकल, तो आप देखेंगे यंग जनरेशन और अदरवाइज मीडियोकर, जो आजकल यंग जनरेशन और जो बीच की उम्र के लोग होते हैं, उनके अंदर ऑफिस के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, फैमिली के अंदर हो जाती हैं। आजकल यंग बॉय एंड गर्ल व्हेन दे गेट मैरिड, उनके सामने बहुत सी ऐसी बातें सामने आ जाती कि हम जीना नहीं चाहते, अब हमारे जीवन का पर्पस क्या है। किसी का बच्चा चला जाता है तो उनको लगता है कि भाई हम जी करके क्या करेंगे। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने से उनको ये समझ में आ जाता है कि परमात्मा हमारा पिता है। उसको अभी तक हम कहते आए कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो माता पिता बच्चा सब कुछ है। तो जो जिसको ये संकल्प आता है कि मेरा बच्चा चला गया अब हम जी करके क्या करेंगे, उनमें फिर से एक रे ऑफ होप पैदा हो जाती है कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा पिता की संतान हूँ, तो वो भी मेरी परमात्मा को वो अपना बच्चा बना लेते हैं। इसी तरह से कोई बात अगर ऑफिस में हो गई जिससे उनको ये फील हो रहा है, तो उनको लगता है कि बात आई है बात चली जाएगी, बात को मैंने अंदर में ज़्यादा ले लिया है इसलिए वो बात मेरे को परेशान कर रही है। तुमने देखा कि अभी रिसेंटली ये केस था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उनकी वाइफ ने बताया कि हर तरह का ट्रीटमेंट हम इनको दे चुके हैं, अब डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि आप इनको राजयोग कराओ। अच्छा, तो वो राजयोग उन्होंने करना शुरू किया और अब वो 90% उससे निकल आए हैं बाहर, और अभी वो कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो थोड़ा सा मेरे अंदर में अभी भी सोच रह गई है, तो मैं अगर इसको लंबी कॉन्टिन्यूटी में करूंगा तो मेरे अंदर की वो चीज भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए 90% भी वो ठीक हो गया है, वो कितनी सुंदर उपलब्धि है। और मैंने चेहरे पर खुशी ही नहीं आती थी जी, जी। अब उनके चेहरे पर इतनी रौनक आती है कि उसको देखकर ही बनता है, और बहुत लोगों को बताते हैं कि यहाँ जाने से मेरे अंदर में परिवर्तन जी, जी, आया जी। है। और खुशी होती है दीदी, कई बार मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर्स भी अब कहते हैं कि नहीं आप ब्रह्मा कुमारीज के पास जाएं, वो मेडिटेशन सिखाती हैं, इससे आपका जो डिप्रेशन है या टेंशन है वो दूर होगा। इवन हमारे यहाँ पास एक साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं, उनका भी यही कहना है कि आजकल बहुत सी ऐसी मन की बीमारियां हैं जो सोच से पैदा होती है, तो सोच को काटने के लिए आपको सोच ही देनी पड़ेगी जो उससे बेहतरीन सोच हो, जी जी जी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और उसमें मैं समझती हूँ अध्यात्म से अच्छा विषय कोई और नहीं हो नहीं सकता है। क्योंकि बाहरी तौर पे तो इसे ठीक करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये भीतर की चीज है। दीदी अगला मेल हमारे पास नीतू जी का है पंजाब से। ये कहती है कि मैं 25 साल की हूँ, ज्ञान में चलती हूँ, मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ आध्यात्मिक जीवन में भी और लौकिक जीवन में भी, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें छूट जाती हैं, मैं क्या करूं, मतलब दृढ़ नहीं रह पाती हैं, थोड़ा अच्छा कार्य शुरू किया फिर छूट गया, ये स्थिति बहुतों के साथ होती है। देखो ये तो इन्होंने लिखा है कि वो ज्ञान में चलती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्ञान में हम केवल चल रहे होते हैं लेकिन ज्ञान हमारे अंदर नहीं चल रहा होता है, दोनों में बहुत फर्क है। जब ज्ञान हमारे अंदर में चलना शुरू हो जाता है तो हमारी विल पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ये इसी तरह से है जैसे एक तार के साथ मैंने एक अच्छा तार और जोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्टिन्यूस विचार चलते जा रहे, तो एक तार लंबा तार बनता चला गया और मेरी विल पावर, क्योंकि मैंने एक लंबा तार बनाया शुभ संकल्पों का, तो उसका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाएगा। पर फिर भी अगर इनको लगता है, मानो ये समझते हैं कि मुझे ज्ञान में चलते कई साल हो गए, तो ये क्या करें कि थोड़ा सा जो वो कर रही है उसको करते जाएं। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बना लें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े लक्ष्य को सामने रखकर चलते हैं और हम कुछ नहीं अचीव कर पाते। छोटे छोटे लक्ष्य बना लें कि मुझे आज बस इतना करना है, कल मुझे इतना करना है, लेट्स से कोई स्टडी पर अटेंशन है या मॉर्निंग उठने पर अटेंशन है, बस मुझे आज ही उठना है। डेली संकल्प ले लें कि मुझे केवल आज ही उठना है, लेट मी गेट अप एंड सी मॉर्निंग कैसी होती है। हल्के रूप से उठें,
फिर करते करते काफ़ी समय का अभ्यास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि यंग होते हैं ना बच्चे, उनमें कुछ अचीव करने की इच्छा होती है, लैक ऑफ पेशेंस भी होता है। तो इसलिए हम इनसे यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत ना हारें, करते चलें, थोड़े टाइम के बाद पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कारों को बदलना शुरू किया है। तो संस्कारों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हो जाएगा, हमारी शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कई बार ऐसा होता है जैसे इन्होंने ये बात कही भी है कि व्यक्ति, चलिए ये तो विद्यालय से जुड़ी हुई है, आपने कहा कि सहज हो सकता है, ज्यादातर लोग ये फील करते ही हैं बाहर कि हमने अच्छे से अच्छा कार्य हमने करने का सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था, शुरू भी किया लेकिन हो नहीं पाया। तो क्या वो सब भी इसी चीज को आगे बढ़ाएं या उनके लिए कुछ और भी आप सुझाव देना चाहेंगे? देखो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए सक्सेस इज जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, क्योंकि हम लोगों ने कल भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि कई बार हम ये समझ लेते हैं कि बस फाइनल डेस्टिनेशन को पा लेना वही मेरी सक्सेस है, लेकिन उसको अचीव करने में मेरी मानसिक स्थिति क्या रही, मेरे साथियों के साथ रिलेशंस कैसे रहे, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने उस मंजिल को इस तरह से अचीव कर लिया, वो भी मंजिल को तय करना कैसे हुआ कि हम दिल्ली से आबू आए और यहाँ आते आते लोगों के साथ बीच में झगड़ा हुआ, ना पानी मिला ना खाना मिला, और यहाँ पर लड़ते झगड़ते पहुँच गए, तो जीवन का मजा, यात्रा का मजा तो नहीं हुआ ना। तो यात्रा का मजा उसी में है जिसमें मेरी खुशी शांति मेरी भी बनी रहे, हंसते खेलते खाते हम आए, तो वो भी एक अपने आप में आनंद है। उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ जाती है। तो इसलिए लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन को ही हम सब कुछ ना मान करके चले, लेकिन छोटे छोटे गोल बनाकर उसके अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करें तो लास्ट में हमें खुशी मिलेगी। जी 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 दीदी, ये जो खुशी की बात, शांति की बात, संतुष्टता की बात, या इस यात्रा को मंगलमय बनाने की बात जो आप कह रहे हैं, चलते चलते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपके जीवन के अनुभव से, कि तीन ऐसे सूत्र जो आपके जीवन की यात्रा को बहुत सुखद, बहुत आनंदमय बना सकते हैं, भले ही आपको लक्ष्य मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, लेकिन आप इस यात्रा को बहुत आनंद से जी पाएंगे या कर पाएंगे? जी, पहली बात तो हमें ये समझ करके चलना चाहिए, मोस्टली जो लोग हैं पर्पस ऑफ लाइफ क्या समझ लेते हैं कि बस मुझे कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, जिस पोस्ट पोजीशन के लिए हम सोच रहे हैं वो हमें मिल जाए, सुंदर सा बंगला मिल जाए, यही सब मेरी अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ, ये मेरी पर्पस ऑफ लाइफ है। पर्पस ऑफ लाइफ हमारा ये नहीं है, ये हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको हमें जरूर निभाना है अच्छी तरह से। पर्पस ऑफ लाइफ हमारा होना चाहिए कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ मेरे रिलेशंस कैसे हैं, हम उनको सुख कितना दे करके चल रहे हैं, चारों तरफ हम सारे दिन भर में वाइब्रेशन कैसा फैला करके चलते हैं, इस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। जब इस पर अटेंशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी बढ़ती हुई मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, हमें चेक और चेंज, चेक करें अपने आप को कि अगर मानो हमसे गलती हो गई, चलते हैं गलती हो भी जाती है, गलत या दूसरे ने हमें कोई बात कह दिया, हमसे गलती नहीं हुई लेकिन दूसरे की बात मेरे दिल को लग गई, तो थोड़ा सा रुक कर अपने आप को पूछ लें कि उसने ये जो बात कही, कि भले उसने गलत कही लेकिन लगाई तो मैंने खुद ना अपने आप को। अगर हम उस बात को अंदर नहीं लेते तो इसका मतलब वो बात मेरे अंदर में नहीं जाती और मेरे मन को अशांत नहीं करती। इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन से अपने आप को विड्रॉ करने की आदत डालें, क्योंकि जब हम लोग अपने आप को विड्रॉ करना सीख जाते हैं तो दूसरी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। बाहर गर्मी है, मैंने विड्रॉ कर लिया, अपने कमरे के अंदर एसी लगा लिया, तो एवरीथिंग इज गुड फॉर मी। तीसरा, मैं समझती हूँ कि बाहर के इन्फ्लुएंस तो आएंगे, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, कोई मुझे अप्रिशिएट भी कर सकता है तो कोई मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, कि सब लोग मेरे हिसाब से चलें ये तो नहीं हो सकता। यही आकर के फिर हम परेशान हो जाते कि हमने तो ऐसा सोचा था, इन्होंने पता नहीं ऐसा कर दिया, इनकी वजह से हम परेशान हैं, तो दूसरों की वजह से हम परेशान नहीं होते। इसलिए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को डिटैच रखें, जैसे कमल का फूल होता है कीचड़ में होता है लेकिन न्यारा होता है, थोड़ा सा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने से हमें कोई भी दुनिया की हस्ती अपने जिंदगी के सुख से दूर नहीं कर सकती है। बहुत सुंदर दीदी, ये तीनों सूत्र सचमुच बहुत ही खूबसूरत से हैं।
हमारे सभी दर्शक इस पे कार्य करेंगे, मैं भी इस पे कार्य करूंगा और सचमुच ये सुखद आनंद की ओर ले जाएगा, समय पूर्ण विश्वास है। दीदी, सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, हमने शुरुआत भी इस बात से की थी कि सचमुच जीवन में परिस्थितियां और बातें तो आती ही हैं, लेकिन उनका सामना किस प्रकार से करें ये हमारे ऊपर है, हम उसे किस रूप में लेते हैं ये हमारे ऊपर है। क्यों ना अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें कि बातें बहुत हल्की और छोटी लगें, साथ ही अपने दृष्टिकोण को भी इतना पॉजिटिव रखें कि यदि बातें नकारात्मक भी हैं तो उसे भी हम सकारात्मक में परिवर्तित कर लें, या उसमें भी एक ऐसा अवसर ढूंढ लें जो आपको आगे बढ़ाने वाला हो। क्योंकि कई बार विपरीत परिस्थितियां भी, कहते हैं ना कि तीर को जितना पीछे खींचा जाता है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वो उतना ही आगे जाता है। तो जब परिस्थितियां आपको पीछे खींच रही हो, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सिखाता है कि ये भले पीछे खींच रही हो लेकिन जितना पीछे खींचेंगे उतना ही मैं आगे जाऊँगा। जब जीवन का ऐसा नजरिया अध्यात्म के माध्यम से हो जाता है तब सचमुच हम अपनी यात्रा का, जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। तब जीवन का संपूर्ण और भरपूर आनंद लें, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।